नमस्कार साथियों, आज हम मेंडल की वंशागतीय नियमों का महत्व पढ़ेंगे। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपको बताना चाहती थी, जैसे मैंने आपको मेंडल्स लो के बारे में बताया, वो मेंडल लो के बीच में एक हमारा संकर पूर्वज संकरण आया था। संकर पूर्वज संकरण, या जिसे हम बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। लो मैंने तीनों बता दिए थे, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम और पृथक्करण का नियम। तीनों नियम मैंने पढ़ा दिए थे और तीनों नियम समझा भी दिए थे। प्रभाविता का नियम तो वह नियम है जिसमें जो लक्षण प्रभावी हो जाता है वह प्रभाविता का नियम। दूसरा पृथक्करण का नियम, यानी जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं और द्वितीय पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन जब उनके गैमेट युग्मनस बनते हैं, वो अलग अलग सेपरेट होते हैं, एक दूसरे के साथ संदूषित नहीं होते, यानी एक दूसरे को मिक्सअप नहीं करते हैं, तो जो बोनेपन वाला लक्षण है वह द्वितीय पीढ़ी के अंदर प्रकट हो जाता है, इसलिए इसका नाम पृथक्करण का नियम रखा गया है। ये एक संकर संकरण पर आधारित है दोनों नियम। अब हम तीसरे नियम की चर्चा करते हैं। तो तीसरा नियम जो था हमारा स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तो स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में हमने क्या कराया था, द्वि संकर संकरण लिया था। उसमें हमने दो या दो से अधिक करेक्टर्स लिए थे, दो या दो से अधिक लक्षण लिए थे। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए थे, उसमें पीला और गोल, उसके साथ में हमने ग्रीन और झुर्रीदार पौधों का संकरण करवाया था, और उसका जो अनुपात जीनोटाइप और फिनोटाइप हमें प्राप्त हुआ था, यानी जीन के अनुसार और लक्षण के अनुसार, वो प्रारूप मैंने आपको बहुत अच्छे ढंग से सिखा दिए थे। अब हम उसी बीच में कुछ टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और आउट क्रॉस, ये हमारा छूट गया था, वो मैं बताना चाहूँगी। बैक क्रॉस क्या है, या इसे हम संकर पूर्वज संकरण क्यों कहते हैं? तो संकर पूर्वज संकरण इसलिए कहा जाता है इसे कि प्रथम पीढ़ी में, यानी F1 पीढ़ी से जो पादप हमको प्राप्त हुए हैं, F1 पीढ़ी के पादप हमको प्राप्त हुए थे कैपिटल T स्मॉल T, ठीक है। ये कौन से पादप थे, संकर पादप। इसमें कौन सा गुण जो है वो प्रभावी है, लंबे पर वाला, ठीक है बच्चों। तो जो प्रथम पीढ़ी से जो पादप संकर पादप हमें प्राप्त हुआ था, उसका संकरण यदि हम दोनों जनक हमने लिए थे कैपिटल टी या स्मॉल टी। कैपिटल टी यानी लंबा, यह शुद्ध पादप बताया गया है। संकर यानी जिसके अंदर क्या है, जीन अलग अलग है, लेकिन इसका प्रभावी लक्षण क्या है, लंबेपन वाला है, और ये लिया था हमने शुद्ध बोना। यदि F1 पीढ़ी से जो पादप हमको प्राप्त होता है उसका संकरण इन दोनों में से किसी एक के साथ करवा दिया जाता है, तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब संकर पूर्वज संकरण को दो भागों में बांट दिया गया है, एक तो है आउट क्रॉस और दूसरा है टेस्ट क्रॉस। तो हम देखते हैं कि दो प्रकार में किसके साथ किसको संकरित कराया गया है। टू टाइप्स ऑफ बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस एंड आउट क्रॉस, या जिसे हम परीक्षण संकरण और बाह्य संकरण के नाम से जानते हैं। इसे दो भाग, दो पार्ट बना दिए हमने, बाह्य संकरण और दूसरा है परीक्षण संकरण। ठीक है बच्चों, तो बाह्य संकरण क्या है, इसे इंग्लिश वर्ड इसके लिए ज्यादा सही है आउटक्रॉस, और इसलिए हमने लिया है इसे टेस्ट क्रॉस के नाम से लिखा है। तो आपको जो शब्द ज्यादा उचित लगे, कि आपके दिमाग में जो कि मैं इसे सही ढंग से याद कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसी शब्द को चुने। बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण,
इसे टू टाइप्स यानी दो भागों में डिवाइड कर दिया है, बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण को हम आउटक्रॉस के नाम से जानते हैं और परीक्षण संकरण को हम टेस्ट क्रॉस के नाम से जानते हैं। अब बाह्य संकरण क्या है और परीक्षण संकरण क्या है? बाह्य संकरण में क्या होता है, वही मेथड, वही स्थिति, वही परिभाषा जो बैक क्रॉस में ली थी, लेकिन इसका संकरण हम किसके साथ करेंगे, कि प्रभावी लक्षण के साथ करेंगे या अप्रभावी लक्षण के साथ में? तो देखिए, एफएलपीडी का जो पादप था हमारा, ये संकर पादप, उसका संकरण किसके साथ कराएंगे हम? प्रभावी जनक के साथ में। तो प्रभावी पादप कौन सा है, प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबेपन वाला। इस करैक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी से। अब क्या करेंगे, जब किसी एफएलपीडी से प्राप्त पादप का संकरण उसी के जनक पादप यानी प्रभावी लक्षण वाले पादप से कराया जाता है, तो मिलने वाला जो परिणाम है या उससे मिलने वाली जो संतति है, क्या सभी पौधे लंबे होंगे या सभी पौधे बौने होंगे, या इनके बीच में शुद्ध पौधे मिलेंगे या हमें सारे पौधे संकर प्राप्त होंगे? देखिए आप, इसका क्या रेशो रहता है, तो हम इसमें युग्मक बना लेंगे पहले। ये युग्मक बन गए और इसका युग्मक लेंगे हमने टी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनका संकरण कराएंगे। वही चेकरबोर्ड मेथड से बता देती हूँ मैं आपको, इधर बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये कैपिटल टी, तो 50-50% रेशो रहता है, 50% रेशो प्योर एंड 50% रेशो हाइब्रिड या संकर पौधे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो रेशो बनता है उसका अनुपात हम लिख सकते हैं। वैसे तो ये प्रभावी लक्षण होने के कारण क्या है, 100% संकर पादप लंबे पादप प्राप्त हुए हैं। लेकिन अब हम इनका क्या निकालेंगे, जीनोटाइप यानी जीनी संरचना और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, लक्षण प्रारूप और दूसरा निकालेंगे जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप के आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा, कितना कितना परसेंट रेशो निकलेगा लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप के आधार पर? लक्षण प्रारूप के आधार पर तो 100% पौधे क्या होंगे, लंबे पौधे। और जीन प्रारूप के आधार पर आप देखिए कि 50% प्योर है, 50% समयुग्मजी यानी समान युग्मक समान जीन वाले, और 50% विषम युग्मजी प्लांट हमें प्राप्त होते हैं। ये 50% ये और 50% ये। तो इस प्रकार के संकरण को बाह्य संकरण कहा जाता है, जिसका रेशियो क्या मिला, लक्षण तो हमें, लक्षण अगर देखे जाए, फिनोटाइप अगर देखा जाए तो 100% प्लांट जो है हमें लॉन्ग मिलते हैं, लंबे मिलते हैं, लेकिन जीन के आधार पर इनकी संरचना को देखा जाए तो 50-50% का रेशियो हमें प्राप्त होता है। ये हो गया हमारा बाह्य संकरण। अब हम देखते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या है? परीक्षण संकरण भी बाह्य संकरण की जैसे ही है, एफएलपीडी के पादप का संकरण हम अप्रभावी लक्षण के साथ में करवाते हैं। एफएलपीडी का पादप ये अप्रभावी जनक या अप्रभावी लक्षण जो है वो बोनेपन वाला है, जो कि प्रथम पीढ़ी के अंदर प्रकट नहीं हो पाता है। वो क्या है, स्मॉल टी स्मॉल टी, गैमेट्स बना लेते हैं यानी युग्मक बना लेते हैं, और इसका भी युग्मक बना लेते हैं। जो युग्मनस बनते हैं इनका हम क्या करेंगे, संकरण करवा लेंगे। ठीक है, अब इनका अगर हम संकरण करवाते हैं तो देखिए,
फीमेल यानी नर और मादा, यस। तो इस परीक्षण संकरण के अंतर्गत हम देखते हैं तो हमारे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप जो अनुपात है वो 50-50% वाला आता है, क्योंकि इससे जो मिलने वाले प्लांट हैं, हमें जो प्लांट मिले हैं वो 50% विषम युग्मजी या संकर लंबे और 50% प्लांट जो हमें मिले हैं प्योर बोन है यानी सम युग्मजी। तो इनका अगर हम जीनी प्रभाव देखते हैं यानी लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप, तो दोनों का रेशियो जो है वो 50-50% का रेशियो देखने को मिलता है। तो हम यूं कहेंगे कि 50% लंबे और 50% बोने पौधे या 50% विषम युग्मजी और 50% सम युग्मजी पादप हमको प्राप्त होते हैं। तो ये हो गया हमारा परीक्षण संकरण। तो कुल मिलाकर ये है कि बैकक्रॉस में एक बार FNPD के जो पादप हमें प्राप्त हुए उसका संकरण प्रभावी लक्षण के साथ और एक बार अप्रभावी लक्षण के साथ में अगर हम संकरण करवाते हैं तो बाह्य संकरण के अंदर 100% हमें संकर प्लांट प्राप्त होते हैं और अगर उनका जीन प्रारूप देखते हैं तो 50-50 का रेशियो आता है। इसी तरह से टेस्ट क्रॉस के अंदर हमें 50-50% का रेशियो मिलता है, क्योंकि लक्षणों के आधार पर अगर हम देखते हैं तो लंबे और बोने पौधे प्राप्त होते हैं। तो 50% लंबे और 50% बोने, और अगर जीन संरचना के आधार पर देखा जाए तो भी हमारा रेशियो यही बैठता है कि ये जो लंबे है ये विषम युग्मजी है और ये बोने जो है वो सम युग्मजी पादप कहलाते हैं। इस तरह से मैंने आपको बैकक्रॉस बता दिया, इसमें टू टाइप्स। अब हम देखते हैं कि मेंडल की वंशागति के जो नियम हमने पढ़े हैं उन नियमों का क्या महत्व है। तो अगला पॉइंट हमारा जो बच रहा है इस पाठ का वो है मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व, मेंडल की वंशागति के नियमों का महत्व। ठीक है, अब मेंडल के नियमों की वंशागति के महत्व को अगर हम देखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगी कि मेंडल के पृथक्करण के नियम जो प्रस्तुत किया था मेंडल ने उसमें जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। सबसे पहला महत्व बता रही हूँ मैं, पृथक्करण का जो नियम मेंडल ने बताया था, पृथक्करण के नियमानुसार जीन संकल्पना की पुष्टि यानी जीन के बारे में पता चलता है, जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। दूसरा महत्व मैं बता रही हूं आपको कि जैसे आपने देखा होगा कि जो संकर पादप प्राप्त होते हैं उसमें हम जिन लक्षणों की वंशावृत्ति को चाहते हैं उन लक्षणों को रख सकते हैं और जो अप्रभावी लक्षण हैं या जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है उन्हें हम हटा भी सकते हैं। तो यह इस नियम को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को रखा जा सकता है। संकरण विधि से अनुपयोगी लक्षणों को हटाना एवं उपयोगी लक्षणों को पीढ़ी में
बनाए रखना। ठीक है, अब हम तीसरे महत्व की चर्चा करते हैं। दो महत्व मैंने बता दिया, पृथक्करण का जो नियम है उससे जीनी संकल्पना की पुष्टि होती है। दूसरा, संकरण मेथड हमारे लिए क्या लाभ है, जिन लक्षणों को हम रखना चाहते हैं उनको रख सकते हैं और जिन लक्षणों को हम हटाना चाहते हैं उनको हम हटा सकते हैं। तीसरा है कि मेंडल के नियम के उपयोग के द्वारा हम रोग प्रतिरोधक, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अधिक है, उनको उत्पादन में यूज में ले सकें, यानी फसली पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अधिक मेंडल के नियम से अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले, यानी जो बीमार कम होते हैं, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों की किस्मों को विकसित करना, अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधों की किस्मों को, किस्मों यानी प्रजातियों को विकसित करना, ठीक है। नेक्स्ट जो उपयोगी है वो ही मैं बता रही हूँ, बाकी कुछ चीजें ऐसी जो सिंपल है उनको मैं ऐसे वर्बली बोल रही हूँ। नेक्स्ट ये कि मेंडल के नियम से मैं जो हम संकर संतति से नए पौधे और नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं तो नए लक्षणों की जानकारी मिलेगी। चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव जाति के सुधार में, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न करना, कि जिन लक्षणों को हम चाहते हैं उन लक्षणों को हम रखें और बाकी लक्षणों को हटाएं। तो इस तरह से अगर हम संकर पौधे उत्पन्न करते जाएंगे तो हमें बहुत अधिक विभिन्नताएं हमें प्राप्त होगी। मानव जाति के सुधार के लिए संबंधित विज्ञान की शाखा सुजनकी मेंडली नियमों पर ही आधारित है, अर्थात मानव जाति के सुधार के लिए सुधार हेतु विज्ञान की एक शाखा बना रखी है जो कि मेंडल के नियम पर ही आधारित है, उसे सुजनकी कहा जाता है। विज्ञान की शाखा सुजनकी मेंडल के नियमों पर ही आधारित है। मैंने आज आपको समझा दिया, ये लेसन खत्म होता है। इसी के साथ मैं होमवर्क के कुछ क्वेश्चन देती हूँ, जो आपको होमवर्क कॉपी के अंदर करने हैं। पाठ का नाम है आनुवंशिकी, ठीक है। ये पाठ कंप्लीट हो गया है, इसका होमवर्क मैं लिख रही हूं। क्वेश्चन नंबर 1, मेंडल पादप का चुनाव किया और क्यों, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, मेंडलवाद किसे कहते हैं,
प्रश्न नंबर 3 मेंडल के स्वतंत्र व्यूहन के नियम को उदाहरण सहित चेकर बोर्ड बनाकर समझाइए। प्रश्न नंबर 4 प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षणों को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 मेंडल के नियमों का महत्व लिखिए। पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।